भी छींटा नहीं दिखना चाहिए। मेरी दुकान हीरे जैसी चमकनी चाहिए, हीरे जैसी। हम मदद करें टुनटुन मौसी। चट्टू बंदर, मस्त बलंदर। सफाई का हीरो आ पहुंचा। मेरी नई थालियां। जग्गू, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। मेरी पूरी मेहनत पानी में मिला दी, जंगल में जाकर अपना खेल कूद क्यों नहीं करते? जग्गू, राजू, भीम, चुटकी, अकेले हो? मैं जैसी हूँ, और तुम ऐसे दुखी आत्मा बन के क्यों बैठे हो? मेरे दोस्त, मैं उनके साथ खेलता तो हूँ, लेकिन उनके जैसा नहीं हूँ। तुम मेरे जैसे हो एक बंदर, और बंदर ही हैं दुनिया में धूम मचाने वाले। और उनकी बेटी राजकुमारी इंदुमती वहीं रहते हैं। हाँ, एक असली राजकुमारी, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? कौन है? ओ, जग्गू तुम, और ये कौन है? राजकुमारी जी, सब कुछ ठीक तो है ना? अभी जाओ, पर आते रहना। हम द्वीप पर खुशी से रहेंगे। लेकिन राजू, चलो जल्दी। क्या हो रहा है? बहुत खूब जैजी। जैजी मेरे लिए काम करता है। वो राजमहल के गुप्त रास्ते का राज जानने गया था, और वहाँ तुम जैसा बुद्ध मिल गया, और अब हम ढोलकपुर के आज महल पर हमला करेंगे। चलो। अब ये सब मेरा है, मेरा मेरा मेरा। डाकू शतक का राज होगा। इतनी जल्दी नहीं। तू पिंजरे में से छूट कैसे गया? एक आदमी भी आगे बढ़ा तो इस बंदर को टाटा बोलना पड़ेगा। उसे छोड़ दो। जैसी तुम्हारी मर्जी। जग्गू, तुम तो एक सच्चे दोस्त निकले, और मैंने हार मान जाओ महाराज। राजकुमारी को छोड़ दो। जैसी गए डाकू, कभी नहीं। नीचे झुको। अब आराम से पेड़ की छांव में बैठकर लड्डू खाएंगे। अरे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो हमारी जगह है। लेकिन आज से ये मेरी जगह है। तुम लोग कहीं और जाकर खाना खाओ। अरे हम क्यों जाएं? जाओगे तो तुम। कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ आसपास और भी पेड़ हैं। हम वहाँ बैठकर खाना खा लेते हैं। नहीं भीम, हर बात में कालिया की दादागिरी नहीं चल सकती। ये जगह हमारी है और हम यहाँ बैठकर खाना खाएंगे। इसका फैसला तो एक कुश्ती के मुकाबले से ही होगा। अरे उस्ताद, कुश्ती में भीम से हार हार कर आप थके नहीं क्या? क्या कहा तुम दोनों ने?
वो हमारे कहने का ये मतलब है कि कुश्ती की जगह अगर आप रेस लगाएं तो ज्यादा ठीक रहेगा। जरा देखिए चुटकी की पोटली में कितने लड्डू हैं। इतने लड्डू खाकर तो भीम जीत ही जाएगा। कुश्ती नहीं, हम रेस लगाएंगे। जैसा तुम कहो। वो पत्थर देख रहे हो? जो उस पत्थर को पहले छूकर आ जाएगा वो ही रेस जीतेगा। एक, दो, तीन। भीम, तुम भाग क्यों नहीं रहे? जब तक कालिया रेस जीतकर यहाँ वापस आएगा तब तक तो हम लड्डू भी खा चुके होंगे। वैसे भी मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे जाने देना उस्ताद को, हम भी मजे से लड्डू खाते हैं। भाई वाह, टुनटुन मौसी के लड्डूओं का तो जवाब ही नहीं। आज घर जाकर मैं भी माँ से लड्डू बनाना सीखूंगी। ये तो तुम कल भी कह रही थी। सच तो ये है कि भीम की ताकत के पीछे टुनटुन मौसी का ही हाथ है, क्योंकि वो ही ये खास लड्डू बना सकती हैं। लड्डू तो मैं भी बना सकती हूँ। आज छुट्टी होने पर सब मेरे घर चलेंगे, मैं अपने हाथ से सबको लड्डू बनाकर खिलाऊंगी। ठीक है, फिर तय रहा, आज मैं चुटकी के हाथ के बने ही लड्डू खाऊंगा। तो टुनटुन मौसी के लड्डू भीम को इतनी ताकत देते हैं। मैं भीम से अपने भाई मंगल सिंह की हर हार का बदला लूंगा। ना रहेगी टुनटुन मौसी और ना रहेंगे लड्डू। साथियों मेरे पीछे आओ। उम्मीद करते हैं इस साल पिछले साल से भी अच्छी फसल हो। अच्छी ही होगी, इन गाय और बैलों को देखकर तो ऐसा ही लगता है। अरे कितने बार कहे हैं बनवारी को, बस एक बार वो हमारी बात मान ले फिर वो भी हमारी तरह आराम करेगा, देख ले। नजर रखना इस पे, समझे? सब लोग चौकन्ने रहना, बिल्कुल चौकन्ने। लगता है कोई बड़ी लूट मचाई है। ये तो वही बौना है जिसने मुझे जादुई कुर्सी दी थी दोस्तों। अरे ढोलू बोलो, कहाँ गए थे तुम दोनों? अरे जल्दी आओ। जी उस्ताद। चुप रहो तुम दोनों। मेरी बात ध्यान से सुनो, सारे लड्डू जंगल में भेज दो, मैं वहीं चीजें इकट्ठा करूंगा ताकि किसी को पता भी ना चले। पर उस्ताद। जाते हो या नहीं? इतने सारे लड्डू, मजा आ गया। पहली बार तुम दोनों ने कोई काम ठीक से किया है। अब जाओ जल्दी से ढोलकपुर की सारी दुकानों से मिठाइयाँ और सामान मेरे पास भेज दो। जी उस्ताद। अब मैं ढोलकपुर का सबसे अमीर इंसान बन गया हूँ, अब मुझे खाने पीने की कोई फिक्र नहीं होगी। अब इस यंत्र की मदद से हम अपनी सेना ढोलकपुर के महल के अंदर भेज देंगे। ये क्या? सारी दुकानें खाली क्यों हैं? भैया सभी दुकानों से चीजें कहाँ गई? पता नहीं, हमारी आंखों के सामने से गायब हो गई। छू मंतर। गायब? ए, 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 ए,
डाकू मंगल सिंह खजाना लूट लेता है, लुटाता नहीं। जल्दी कुछ करो वरना कालिया और ढोलू भोलू बच नहीं पाएंगे। चुटकी देख अब मेरा कमाल। बचाओ बचाओ, मेरा सोना डूब रहा है, कोई बचाओ। सोना, चलो जल्दी इससे पहले कि सारा सोना डूब जाए। तुम यही रुको और इन पे निगरानी रखो। हाँ। अब खुश हो, मिल गया खजाना। मुझे क्या पता था कि ये कुर्सी सिर्फ तुम्हारी बात मानती है। बात ये सभी की मानती है, लेकिन सिर्फ अपनी चीजें ढूंढने के लिए, दूसरों की नहीं। मैं जरा इधर से उधर क्या हुआ, यहाँ का तो नजारा ही बदल गया। तो कैसा लग रहा है नया नजारा, अच्छा या बुरा? अभी पता चल जाएगा। यही होता है अंजाम डाकू मंगल सिंह से बंदा लेने का। भीम लड्डू। मैं नहीं जानता था कि ये सब इतना खतरनाक होगा। मैं तो वो खजाना देखकर लालची हो गया था और मंगल सिंह मुझे मार ही देता। भीम, एक ही दिन में तुमने दो बार मेरी जान बचाई, अब तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुर्सियाँ भी नहीं है। कुर्सियाँ नहीं बची तो क्या हुआ, ये खजाना तो है। आप इनमें से अपनी भरपाई के पैसे ले लीजिए। और बाकी के खजाने का क्या करें? बाकी खजाना हम महाराज को दे देंगे, वो इस खजाने से ढोलकपुर को और अच्छा बना देंगे। इस खजाने को ढूंढने के लिए पूरा ढोलकपुर तुम्हें धन्यवाद कहेगा कालिया। जग्गू, क्या हुआ तुम्हें, इतनी जल्दी में क्यों हो? तुम्हारे पास ही आ रहा था मैं, राजू और कालिया। क्या हुआ राजू और कालिया को, कोई खतरा तो नहीं? हाँ यही समझ लो, एक दूसरे के लिए खतरा। अरे जग्गू पहेलियाँ मत बुझाओ, साफ साफ कहो ना क्या हुआ। राजू जाने दो, कालिया तुम्हें छेड़ रहा है। कालिया मैं जरूर अपने पिताजी की तरह बहुत बड़ा सिपाही बनूंगा, तुमसे कहीं बेहतर। क्या कहा तुमने, मुझसे बेहतर सिपाही बनोगे? खुद को देखा है कभी? इतो सो तो है। पहले अपने आप को देखो तुम, मोटा शरीर मोटा दिमाग, कैसे बनोगे बेहतर सिपाही? दिमाग का लड़ाई में क्या काम, वहाँ तो ताकत का जोर चलता है। राजू कालिया ये सब तुम क्या कर रहे हो? अच्छा हुआ तुम आ गए भीम, राजू और कालिया को रोको, ये आपस में कैसे झगड़ रहे हैं देखो। मगर किस बात पे? भीम, कालिया को लगता है कि मैं अच्छा सैनिक नहीं बन सकता। मैं दिखा दूंगा कि आकार से ज्यादा सोच का पलना भारी होता है। चल हट, मैं दिखा दूंगा कि ताकत के सामने कोई दिमाग विमाग नहीं चलता। अच्छा सैनिक तो सोच से भी बना जा सकता है और शक्ति से भी, बस ये जानना जरूरी है कि तुम्हारे अंदर कौन सी खास बात है और उस खासियत को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। बिल्कुल सही भीम। Thank you.
काफी कीमती है। हाँ हाँ लीजिए ना। सुनिए जरा हार तो वापस देते जाइए। दादाजी आपका भीम हमारे ढोलकपुर की शान है शान। हाँ भाई ये मेरा नाम खूब रोशन कर रहा है। बिल्कुल आप पर गया है दादाजी। ये सब क्या वो अकेला खाएगा? ओ, इतने सारे फल। इतना तो उस्ताद भी नहीं खा सकते। दोनों बोलो अब बंद नहीं किया तो इच्छा को नहीं तुम्हें फेंकूंगा इस गांव से बाहर। आज क्या हो गया इतनी गर्मी। तरह तरह की मैगजीन चटपट खबरें। ला भाई एक मैगजीन ही दे दे आज तो समय काटना मुश्किल हो रहा है। वो ये वाली कुछ समय भी कट जाएगा और गर्मी में हवा करने के काम भी आ जाएगी। मुझे भी जमाने के साथ चलना चाहिए थोड़ा तो फैशन मुझे भी करना चाहिए। देख रहा है? रुक रुक अभी बताती हूँ। ये बाल आंखों में क्यों आ रहे हैं? कोई है? बहुत खुश लग रही हो तुम। हाँ और कितने सारे गहने पहने हैं तुमने? ये गहने मुझे मेरी परदादी ने उपहार में दिए थे। वैसे तुम्हारे भी गहने अच्छे हैं। जरा दिखाओ तो। तुम्हारे भी दिखाओ। बहुत सुंदर हैं। हाँ पर तुम्हारे गहने भी बहुत सुंदर हैं। कोई चुरा ले गया। वो चोर की तरह लग रहा था। जल्दी चलो अब भीम ही हमारी मदद कर सकता है। हाँ। चलो हाँ। जल्दी से भीम को बताओ। हाँ। चलो जल्दी। होगा। क्या कहा जाल? कैसा जाल? कालिया तुम्हें एक साड़ी पहननी होगी। हम तुम्हें नकली गहने भी पहनाएंगे। वो उड़ने वाला चोर जरूर तुम्हें लूटने आएगा और
और तब हम उसे धर दबोचेंगे। वाह, सही तरकीब है भी। मैं साड़ी वाड़ी नहीं पहनने वाला। कालिया, लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम उनके हीरो बन जाओगे। ठीक है। लगता है वह आस पास ही है। कालिया, वही चोर है, पकड़ो उसे। कोई बात नहीं, आज तुम जीते पर कल मैं आकर असली सोना चुरा ले जाऊं। अच्छी परी, हमें कोई रास्ता दिखाइए। भीम, उस उड़न चोर को पकड़ने के लिए तुम्हें एक सुनहरे पर की जरूरत पड़ेगी। ये लो, तुम्हें बस ये सुनहरा पर उसके पंखों से छुआना है। धन्यवाद अच्छी परी। सब कुछ तरकीब के मुताबिक हो तभी अच्छा होगा। मेरे पैसे, चोर चोर पकड़ो, मेरे पैसे ले गए चोर। मिशन पानी शुरू करो। ये क्या हो रहा है, मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं समर्पण करता हूँ। पहले वादा करो सारी चुराई हुई चीजें वापस कर दोगे। बिल्कुल कर दूंगा। काश मेरे पास भी उतना सोना हो। क्यों उस्ताद, आप फिर से साड़ी और सोना पहनकर घूमना चाहते हो? ऊंची एडी के सैंडल। जो ऊंची जगह से सामान उठाने में काम आते हैं। बॉसी जल्दी उठो, मैं तो टूथपेस्ट की ट्यूब की तरह पिचका जा रहा हूँ। लाओ हम वजन कुछ हल्का करवा दे। अच्छा टाटा। मैं जब तीन गिनूं, सब मिलकर जोर लगाओ। एक दो तुम दोनों, आजकल चोरी का नहीं मेहनत ईमानदारी का फैशन है। हाँ। या! 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 टुंटुन मौसी, ओ टुंटुन मौसी, टुंटुन मौसी, ओ टुंटुन मौसी। आज बात करने की फुर्सत नहीं है भाई, बहुत काम है। ऐसा संदेश लाया हूँ कि सुनोगी तो और सब काम भूल जाओगी। पास के गांव के सेठ के घर बहुत बड़ा उत्सव है, लड्डू तुम्ही से बनवाएंगे, बस जाकर मिल लो। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, मैं अभी जाती हूँ। बाकी काम अब कल ही करेंगे चुटकी, तू जाकर खेल। और हाँ, सब बचे लड्डू अपने दोस्तों में बांटने को ले जा। ये!
इतनी अच्छी बांसुरी बजाई, इतनी अच्छी बांसुरी बजाई और इतना हंसाया कि मगर सारे लड्डू गए कहाँ? अरे जरूर वो बांसुरी वाला ही ले गया होगा, उसके बाद तो कुछ याद ही नहीं, मगर वो सारे लड्डू ले गया। फिक्र मत कीजिए मौसी, हम सब मिलकर उस अनोखे चोर को जरूर पकड़ेंगे। अनोखे बांसुरी वाले से तो मिलना ही पड़ेगा। बस बस बस, ये लो, तुम जीत गए। सच में इससे पहले हंस हंस कर भूत भूत मैं कभी नहीं हुआ। ये बांसुरी वाला तो बहुत चालू निकला, इस तरह सारा ढोलक को लूट लेगा। हमें किसी तरह उसकी वो बांसुरी ले लेनी होगी। फिक्र मत करो दोस्तों, वो चालाक है तो हम भी कुछ कम शातिर नहीं है। किसी तरह उस बांसुरी को उससे दूर करना ही पड़ेगा। यहाँ आओ। को कैसे सबक सिखाएं? हाँ।
भीम, ये ढोल जादुई नहीं है। फिर कैसे? जादू नहीं, बस जाल बिछाना है। हम कालिया और गांव वालों से यूं नाटक करवाएंगे जैसे ये ढोल भी कमाल का जादू करता है। फिर देखना उस बांसुरी वाले को हम कैसे हरा देंगे। मेरी पूरी दुकान रख लो, मैं जा रही हूँ। अरे बाप, ये जादुई ढोल तुम्हें कहाँ से मिला है जी? ये मुझे उस बरगद के पेड़ वाले महान बाबा ने दिया है। अय्या, ये तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें ढेर सारे अमरूद दूंगा। अमरूद नहीं, मुझे तुम्हारी वो बांसुरी चाहिए। बांसुरी दो और ढोल लो। ठीक है ठीक है, ये दुकान मुझे दे दो। वो ढोल जादुई बादुई नहीं, नकली है, नकली। हंसी मजाक में आखिर गलत करने वाले का ही ढोल बजता है।